हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसजी क्लासेस। एसजी क्लासेस के इस डिक्टेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यह सीरीज बिहार सिविल कोर्ट और तमाम तरह के स्टेनो एग्ज़ाम्स को देखते हुए आप लोगों को दी जाती है, तो कृपया इसे लिखें और ट्रांसक्रिप्ट ज़रूर करें। और अगर किसी भी प्रकार की आउटलाइंस या मदद की आवश्यकता हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या हमारा टेलीग्राम नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह डिक्टेशन। पृथ्वी से लगभग 16 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल की लाल और धूल भरी सतह पर लंच बॉक्स के आकार का एक उपकरण यह साबित कर रहा है कि वह एक छोटे पेड़ का काम विश्वसनीय ढंग से कर सकता है। यह उपकरण दरअसल फरवरी 2021 से लाल ग्रह के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वातावरण से ऑक्सीजन बना रहा है। नासा के मोक्सी मार्स ऑक्सीजन इनटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट प्रयोग के लिए इस उपकरण को पिछले साल के आरंभ में परसिवरेंस रोवर के साथ मंगल पर भेजा गया था। विज्ञानियों द्वारा संचालित मोक्सी प्रयोग का उद्देश्य लाल ग्रह पर स्थानीय संसाधनों के उपयोग से ऑक्सीजन बनाना है। साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि 2021 के अंत तक मोक्सी विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों और मंगल के विभिन्न मौसमों के दौरान रात और दिन में 7 बार ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सफल रहा। प्रत्येक प्रयोग में यह उपकरण प्रति घंटे 6 ग्राम ऑक्सीजन के उत्पादन के अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। पृथ्वी पर एक मामूली पेड़ इसी दर पर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। मानव मिशन से पहले मोक्सी का एक बड़ा संस्करण मंगल पर भेजा जा सकता है, जो सैकड़ों पेड़ों की दर से लगातार ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। इसको मंगल पर मनुष्यों के प्रवास के दौरान पर्याप्त ऑक्सीजन का उत्पादन सुनिश्चित करना पड़ेगा। मोक्सी का वर्तमान संस्करण डिजाइन के हिसाब से छोटा है, ताकि वह परसिवरेंस रोवर पर आसानी से फिट हो सके। इसे रोवर के अन्वेषण कार्यक्रम और मिशन की जिम्मेदारियों को देखते हुए छोटी अवधि के लिए बनाया गया है। बड़े स्तर के ऑक्सीजन कारखाने में बड़ी इकाइयां शामिल होंगी जो लगातार चलती रहेंगी। मोक्सी के वर्तमान डिजाइन की सीमाओं के बावजूद उपकरण ने दिखाया है कि वह मंगल के वातावरण को शुद्ध ऑक्सीजन में परिवर्तित कर सकता है। इंजीनियरों ने इसकी क्षमता में वृद्धि करके ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई है। खासकर मंगल के वसंत में उत्पादन बढ़ाया जाएगा। उस समय वहां वायुमंडलीय घनत्व और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अधिक होता है। मंगल के वायुमंडल में
पृथ्वी की तुलना में ज़्यादा भिन्नता है। हवा के घनत्व और तापमान में परिवर्तन होता रहता है। यदि मोक्षी बार बार चालू और बंद होने के बावजूद सफलतापूर्वक काम कर सकता है, तो एक पूर्ण स्तरीय प्रणाली हजारों घंटों तक काम कर सकती है। मंगल पर मानव मिशन के लिए कंप्यूटर और स्पेस सूट जैसी बहुत सी चीज़ें पृथ्वी से ले जानी पड़ेंगी, लेकिन ऑक्सीजन का इंतजाम स्थानीय स्तर पर ही करना होगा। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया गया है। इसे लिखें और ट्रांसक्रिप्ट करें। धन्यवाद।